हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल लर्न हियर क्लास फिफ्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 7, कैन यू सी द पैटर्न। तो स्टूडेंट, ये हमारा इस टॉपिक का फाइनल वीडियो है और इसमें हमारे पास आज है क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जो आपको मिसिंग प्लेस दे रखा है ए पार्ट में, यहाँ पे आपने मिसिंग प्लेस में कौन सा नंबर आएगा ये फिल करना है। सेकंड बी पार्ट है, यहाँ पे मिसिंग नंबर दे रखा है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो आपने फिल करना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हो क्या रहा है। आप इस पर लॉजिक देखेंगे कि कौन से लॉजिक से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर मैं बार बार नज़र डालता हूँ आमने सामने के नंबरों पर, ऐसे में 7, 21 कुछ मुझे लग रहा है, 12, 4, 13, 39। आप देखोगे यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 का, तो कितना आएगा 12। ओके, ठीक उसके सामने 12 आ गया। 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 का, कितना आया 21 आया। सिमिलरली 13 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, 39 आ जाएगा। तो ये इसकी टेबल में आ रहा है, 4 3 12, 7 3 21 और 13 3 39। तो सिमिलरली ये 10 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 में 3 का मल्टीप्लाई होगा यानी 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 30 आ जाएगा। बस इस तरीके से आपने लॉजिक पकड़ने हैं, क्या लॉजिक्स लगेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। सेकेंड वन है आपका, आप देख रहे हो 1 में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, 1 × 5 5 हो गया। उसके ठीक सामने अपोजिट में 6 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया, 6 × 5 30। 5 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 से 25। ओके स्टूडेंट, और सिमिलरली 2 में भी क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, यानी 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 2 10। तो यहाँ पे मिसिंग प्लेस में क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। और तो स्टूडेंट ये आपका फाइनल था इसमें, और इसके बाद आपका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ है हम आपको भेजते रहेंगे स्टूडेंट, और आप घर में अच्छे से तैयारी करेंगे। और स्टूडेंट इस समय आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, और इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।